focus now to the national capital now the winter season is almost upon us and so is the season of what we know as double burning in parts of northern india crucial indicators of a season of worsening air quality in the national capital and surrounding regions now the aam aadmi party led delhi government has released their winter action plan consisting of 21 points to deal with the looming pollution the government's plan includes artificial rain in November, bringing back the work from home option and the return of odd even. Now, the air quality will be monitored real time using drones to find the root cause, that is, of worsening air quality, according to the High Court. The Delhi government is also preparing for artificial rain to improve the AQI of the city from November 1st to November 15th when Diwali and firecrackers bring poor quality, that is, air in terms to its edge. Let's listen into what Gopal Rai had to say. राय थी कि इसको दिल्ली के अंदर और थोड़ा इंसेंटिफाई किया जाए और इनको व्यापक बनाया जाए तो सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर इसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे उन्नीसवा पॉइंट है आउट इवेंट की तैयारी सरकार अपने तरफ से ऑर्ड इवेंट की तैयारी जो है वो शुरू करेगी और इमरजेंसी पड़ती है ज़रूरत तो उसको भी दिल्ली के अंदर हम लागू करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है बीसवा है कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन का उसके लिए जैसा हमने आपको सूचित भी किया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी है और अभी जवाब तो नहीं आया है लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूंगा क्योंकि समय अब बीत रहा है जिससे कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में क्योंकि बाकी तो सारा हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन खास तौर से दिवाली और पराली ये दो घटनाएं जब एक साथ लगभग इस बार अनुमान लग रहा है कि एक नवंबर के आसपास पराली की घटनाएं भी बढ़ रही होंगी और दिवाली भी उसी समय आ रही है, इस बार 12 दिन पहले है दिवाली, तो उस पीरियड के लिए हम चाहते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए तैयारी की जाए। Last November and December Delhi marked its worst air quality for the respective months in the past five years. Pollution को कम करने के लिए पिछले 10 साल से क्या किया? पहले इसकी ऑडिट रिपोर्ट केजरीवाल साहब के मंत्री दें, आतिशी दें। एक हजार करोड़ रुपए के लगभग पॉल्यूशन सेस के नाम पर इनके पास पैसा है वो पिछले सालों में कितना किस मद में पॉल्यूशन के लिए खर्च किया उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखे कुछ खर्च नहीं किया उसमें सिर्फ एक ही खर्चा हुआ है केजरीवाल साहब की फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग और कुछ नहीं है दस साल में पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया वो बताएं सिर्फ ढकोसला है दिल्ली का चुनाव सिर पे है इस कारण से इस तरह की झूठी योजनाएं ये लेके आए